हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कितने डेज़ हो गए हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, कौन सी कार उन्होंने बुक कराई है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? ओके, कौन सी कार बुक कराई है आपने? होंडा अमेज। ऑटोमेटिक या मैनुअल? ऑटोमेटिक। कब मिलेगी डिलीवरी? नवंबर। ओके, दिवाली के आसपास? उसी टाइम लेनी है। चलो, धनतेरस पे है ना। तो आज कितने दिन बाद आई हैं आप? दस दिन बाद। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा है आपका 10 डेज छोड़ने के। इस बीच में तो आपने कोई कार ट्राई करी? इस बीच में कार नहीं ट्राई करी, सिर्फ आपके वीडियोस पढ़ती रही देखती रही। टैबलेट की तरह, एक सुबह एक शाम। टैबलेट देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती रूपाली जी। और अभी इस बीच में अगर आप मेरी वीडियोस देख रही होगी तो आपको कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। मैंने पहले पुरानी सारी वीडियोस देखी, अभी लेटेस्ट वाली कोई नहीं देखी। 100 के आसपास तो वीडियोस अब तक 100 के आसपास आपने देख ली। अभी लेटेस्ट वीडियो जो आपने कोई देखी इधर 2-4-5 दिन, क्योंकि इस बीच में मेरे पास 2-3 लोग बाहर से आए कलकत्ता से। ज़्यादा जल्दी डालते हैं कि पुरानी वाली कंप्लीट नहीं हो पाती है, नहीं आ जाती। ओके, अभी मेरे पास एक 64 ओल्ड अंकल आए थे जो कि कलकत्ता से, ठीक है, आज वो निकल रहे हैं अभी 10 बजे, और 64 साल उनकी उम्र है, कभी उन्होंने बाइक तक नहीं चलाई थी, ओनली 5 डेज में उन्होंने कार सीखी और क्या गजब की गाड़ी चलाई। मैंने उनकी 5 वीडियो अपडेट करी है, ठीक है। 16 तारीख को मेरे पास लखनऊ पहुँचे, 17 तारीख से मैंने स्टार्ट किया और कल रात में उनकी पूरी क्लास कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। और इतनी गजब की गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी मैंने उनको 2 बार हैंडओवर कर दी, रिवर्स, पार्किंग, स्लोपिंग, ट्रैफिक में, मतलब शाम को 6 बजे 7 बजे कितना रश होता है। उस बीच में उन्होंने खुरम नगर चौराहा, मुंशी पुलिया चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा और आपका गोमती नगर एरिया पूरा, हयात सिनी पुलिस पूरा कंट्रोल किया, चलाया। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बार भी क्लच ब्रेक नहीं लिया। तो वीडियोस, क्योंकि वो मेरी 100-200 वीडियो देखने के बाद ही मेरे पास आए, वीडियो से इतनी मदद मिलती है, इतनी हेल्प मिलती है कि मतलब आप प्रैक्टिकल तो कर रहे हो, वो तो मेन ही है, लेकिन किसी चीज़ को करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि माइंड का गेम होता है, समझ रहे हैं? इसमें जितना ज़्यादा आप अलर्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ें आपको नॉलेज रहेंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, उतना ही अच्छा आप कंट्रोल कर पाएंगे। भाई, एक रास्ते से अगर फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको स्पीड ब्रेकर कहाँ है, टर्निंग कहाँ है, ये सारी चीज़ें, अगर एक रास्ते से आप रोज़ जा रहे हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे सीवर है, कहाँ पे गड्ढा है, होता नहीं होता है। तो वीडियो से जो मेरा मानना है, जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई, मेरा जो है, मैं अपना बता रहा हूँ, जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई अगर वो मेरी 100 वीडियो देख लेता है तो उसको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से गाड़ी सिखा रहा हूँ, 15-16 हज़ार लोगों को गाड़ी सिखाई है। तो मेरा मानना है जो कि अगर जिस, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने गाड़ी सिखाई जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी, आज होंडा सिटी, स्कॉर्पियो, इंडिवर चला रहे हैं, सिर्फ मैंने उनको तरीका बताया, उन्होंने फॉलो किया और चलाने लगे। और जो ये 15 डेज है ना, ये इनफ है। 15 दिन में कोई पायलट तो नहीं बन सकता, पर 15 दिन में इतना ज़रूर वो सीख सकता है कि वो अपनी गाड़ी को निकालना, रखना, बैक करना, पार्किंग करना, और जो एक्चुअल कॉन्फिडेंस आता है वो अकेले ही चलाने से आता है। रूपाली जी, समझ रहे हैं आप? और आज देखने को मिल रहा है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, मेरा कोई क्लच और ब्रेक पे पैर नहीं है, और ना ही मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ना ही मैंने आपकी एक बार स्टीयरिंग पकड़ी है। जो काम आपने अभी इधर किया है, अगर यही काम आप फर्स्ट डे से कर रही होती ना, फर्स्ट डे से जब से आपने ज्वाइन किया था, तो आज बाय गॉड मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 12 रंग की गाड़ी लेके आ रही थी, बिंदास चला रही थी, किसी बिना डरे हुए ऐसे चला रही थी जैसे लोग सालों से चलाते हैं। देखिए, मेरा काम है गाइड करना, समझाना, बताना। अब किसी के अंदर तो घुसना नहीं है, ना उसको घर जाके फ़ोन खोल के देना है कि भाई ये वीडियो देखो। मेरा काम बताना, करेंगे तो बेस्ट है, नहीं करेंगे तो ऑल द बेस्ट है। अभी सेकंड गियर करो, सीधा जाना है हमें, गियर डाउन करो, यहाँ पे 3rd गियर है,
एकदम सीधा जाना है, हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट बस, धीरे धीरे जाने दो, थोड़ा स्लो करो, दादा को जाओ, हाँ लेफ्ट आओ हल्का, अब राइट काटो, राइट राइट, हाँ बस। ये चीज़ें जो है ना, अभी बहुत सारी चीज़ें आप कन्फ्यूज़न में रहती थी, मैंने क्यों उस दिन आपको टोका, क्यों मैं गुस्सा हुआ आप पे, राइट रखो, क्योंकि जो चीज़ आप 10 दिन में सीख सकते हो, 15 दिन में सीख सकते हो, तो 2 महीने करने की जरूरत, चलाना तो आपको रोज ही पड़ेगा भाई, जब तक चलाएंगी नहीं भूल जाएंगी, आज 10 दिन के अंदर देखो दिखने को पता चल रहा है ना। हम आपके साथ रेगुलर इसीलिए आ रहे थे कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो प्रैक्टिस हो जाती थी, और आप जो लगातार बोलते रहते हो तो दिमाग में वो बात आपकी सब सही है, लेकिन एक चीज़ बताइए, एक मेरे अंदर भी तो पेशेंस लेवल है, कब तक पेशेंस रखूंगा मैं, अगर किसी बच्चे को मैं रोज कहता हूँ कि बेटा ये पेंसिल ऐसे पकड़ो, रोज ऐसे पकड़ो, वो 1 महीने तक उसको मैं कह रहा हूँ वो रोज ही उल्टा पकड़ता है, तो क्या अगला आदमी क्या समझेगा। जो चीज आपको गाइड करी जा रही है, आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, उसके लिए निकालना पड़ेगा, टाइम किसी के पास नहीं रहता रूपाली जी, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है कैसे भी। आप ऑफिस जाती हैं, रूटीन बना है आपका, तो फिर अगर ऑफिस के बीच में अगर आपके बीच में कोई आपका गेस्ट या कोई घर में हारी बीमारी आती तो क्या समय नहीं निकालती हैं आप, निकालती हैं। फिर इसी तरीके से ड्राइविंग भी एक ऐसी चीज़ है, अब एक टॉनिक देने के बाद आप लाइन पे आ गई ना लाइन पे, अगर यही काम पहले कर लेती तो आज ये दिन थोड़ी देखने को, मतलब इतना गजब चला रही होती गाड़ी, चला अभी भी बहुत अच्छा रही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चला रही है, पर लोग बहुत लापरवाही करते हैं, बहुत लापरवाही, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उतनी ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जो अनपढ़ आदमी होता है ना उसको जितना बता दो, उसके तो भाई 2 वीडियो देखना तो 10 देख के आता है, और वो लोग हफ्ते से 10 दिन में अपनी गाड़ी चलाने लगते हैं, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी, जितने अनपढ़ लड़के आते हैं कम पढ़े लिखे गाँव वगैरह के, उनको जितना बताओगे उतना वो करते हैं, जो बच्चे बाहर से मेरे पास आते हैं बिहार वहार से सीखने, वो हफ्ते भर मेरे पास रुकते हैं, हफ्ते भर में क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा गोल जो है, फोकस जो है गोल पे रहता है, उनको सिर्फ ड्राइविंग सीखना है, और उनको दो क्या 10 वीडियो देखते हैं, और ये कोई इतना आसान है, कार चलाना स्कूटी से भी ईजी है, स्कूटी में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, कार में कोई बैलेंस नहीं बनाना, आप सेफ हो। और आज कितनी अच्छी गाड़ी चला रही हैं आप, पूरी गाड़ी खत्म हो जाएगी जब ट्रेनिंग तब बोलेगा अच्छा है कि नहीं, नहीं अभी चला रही, वो मुझे ड्राइविंग सीट पे जैसे स्टूडेंट बैठता है ना, इंजन ऑन करता है, वैसे मुझे पता चल जाता है कि उसकी एक्टिविटी अभी वो क्या करेगा, सीधे चला, हाँ मुझे लास्ट उसका आधा घंटा 1 घंटा जो भी ना, मैं लास्ट तक उसको स्कैन कर लेता हूँ, ये आगे करने वाला क्या है, उसकी एक्टिविटी से, उसके फेस से और उसके कंट्रोल से मुझे पता चल जाता है कि क्या करा है उसने और क्या करना था। बस इसमें एक जुनून चाहिए सीखने के लिए, अगर आपके अंदर जुनून है ना तो कार है, आप हेलीकॉप्टर उड़ा देंगी, लेकिन वही है कि चीज़ों को टाइमली थोड़ा सीरियस होना। अब जिन दादा की मैं बात कर रहा हूँ, कभी उन्होंने बाइक तक नहीं चलाई थी, हमेशा साइकिल से चले हैं, अब किसी को कह दोगे तो बिलीव करेगा, फर्स्ट डे उन्होंने इतनी गजब की गाड़ी, मैंने फर्स्ट डे से उनकी वीडियो अपडेट करी है, पहले दिन मुझे कुछ भी उनको बताना नहीं पड़ा था, और यहाँ 60 साल के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, 64 साल की उम्र में वो कलकत्ता से आए थे मेरे पास गाड़ी सीखने, स्पीड कम करो थोड़ा, क्लच दबाओ, अब ये गड़बड़ किया आपने, यहाँ पे गड़बड़ क्या किया, क्योंकि आपने पूरा क्लच ही नहीं दबाया आपने, इसलिए इंजन बुझ गया गाड़ी का, क्लच नहीं दबाया इसलिए इंजन बुझ गया, अभी इंजन ऑन करो, आपके सामने ट्रैक्टर जा रहा था, और आपको क्या करना था, अब इसको पहले गियर में करो, आपको क्या करना था, पहला गियर, आपको क्लच दबा के, पूरा क्लच दबा के धीरे से ब्रेक ले लेना था, जो कि आपने नहीं किया, आपने क्या करा, खाली ब्रेक दबाने की कोशिश करी, जिससे कि गाड़ी तो रोकी लेकिन सही से रुकी भी नहीं, जैसे रुकनी चाहिए थी प्रॉपर वैसे रुकी भी नहीं, अपनी लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ। देखिए सबसे पहले रूपाली जी क्या होता है कि क्लच का बहुत बड़ा रोल होता है, गलती कहाँ करते हैं हम लोग गाड़ी को रोकने लगते हैं ब्रेक से, गाड़ी को रोकने से पहले हमको क्लच से इंजन को कंट्रोल करना, जो इंजन गियर में एक्टिव है हमें इंजन को कंट्रोल करना है, जब हम इंजन को कंट्रोल कर लेंगे, इंजन को ताकत ही नहीं लगाने देंगे, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बस गलती यही करते हैं कि हम इंजन को नहीं कंट्रोल करते, ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकने लगते, जिसकी वजह से गाड़ी घटघट घटघट करके इंजन बंद हो जाता है। और अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा सीरियस, जैसे कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो, पहले क्लच फिर ब्रेक, इधर लेफ्ट आओ और लेफ्ट वाली लाइन में आओ, इसको चारों इंडिकेटर ऑन करो, यहां से सीधी रखो स्टीयरिंग और लेफ्ट आओ, अभी पूरा क्लच दबाओ फुल, जितनी आप में जाने, क्लच दबाने में आप बहुत कंजूसी करती हैं, बहुत कंजूसी करती हैं, हाँ अभी छोड़ो क्लच, छोड़ो फटाफट दबाओ क्लच, 1 सेकंड में क्लच दबना चाहिए, 1 सेकंड में फिर से दबाओ,
वही कहा है मैंने, हो गया दब गया, फिर छोड़ो, फिर दबाओ, क्लच दबाया एक ही सेकंड में जाता है पूरा, हाँ, और रिलीज धीरे धीरे किया जाता है। अभी पूरा क्लच दबाया, हाँ, अभी धीरे से ब्रेक लगाओ, लग गई गाड़ी बंद हुई, इंजन बंद हुआ, झटका आया गाड़ी में, फिर अगर ये ट्रैक्टर वाले टाइम में सिर्फ ब्रेक से ही काम करना के लिए, तो ब्रेक से तो गाड़ी रुकेगी, वो भी झटके से रुकेगी, हाँ, और इंजन बुझ जाएगा भाई। अभी अभी कौन सी गियर में करोगे? सेकंड गियर है, अभी फर्स्ट गियर कर रहा हूं। हां तो फर्स्ट करो, कम से कम 10 बार इस लाइन में रोको, बढ़ाओ पहले, फिर क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, और रुकते टाइम मिरर जरूर चेक करना कि आपके पीछे कोई गियर न्यूट्रल करने की कोई नीड है यहां। ऑलरेडी आप फर्स्ट गियर में, तो क्या नीड है बताओ? कुछ किया नहीं मैंने, वो ध्यान आ गया। अभी चलो बादाम खाया करिए रूपाली जी, थोड़ी याददाश्त आपकी सही रहेगी। और एक्सीलेटर की जरूरत नहीं होती है फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर की जरूरत नहीं होती है। विदाउट एक्सीलेटर फर्स्ट एंड सेकंड गियर एंड रिवर्स गियर में गाड़ी मूव करती है, बसरते आपको समझना और उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखो रोका आपने, कहीं झटका लगा, इंजन बंद हुआ, क्योंकि पहले क्लच दबा के इंजन को फ्री करना होता है, जो इंजन और गियर का कनेक्शन है उसको डिसकनेक्ट करना जरूरी होता है। अभी क्लच दबा के ब्रेक लगाओ, बार बार क्लच दबाना ब्रेक लगाना, इससे आपको ये आदत पड़ जाएगी कि क्लच और ब्रेक क्या होता है। और जब वापस गाड़ी को मूव कर रहे हो तो उस टाइम जरा सा भी अगर आपका ब्रेक दबा हुआ है तो गाड़ी इंजन बंद हो जाएगा झटके मार के, ठीक है? तो जरा सा भी आपका ब्रेक दबा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो पैर है वो सिर्फ पैंडल से टच होना चाहिए, दबा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर दबा होगा तो वो ब्रेक दबा होगा तो इंजन बंद हो जाएगा। और फर्स्ट गियर में गाड़ी को रोक रोक बढ़ाने के लिए कभी भी आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने फर्स्ट गियर डाल दिया तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को रोकना बढ़ाना अगर ट्रैफिक में आप चल रहे हो तो ये चीज़। अभी लोग गलती क्या करते हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वो हमेशा गाड़ी रोकने के लिए पूरा ब्रेक दबा देते हैं, ठीक है ब्रेक से गाड़ी रुकती है, लेकिन पहले आपको जो इंजन आपका एक्टिव है गियर में उसको तो फ्री करो। वो कैसे फ्री होगा? कितना क्लच दबाने से इंजन फ्री? फुल क्लच दबाने से इंजन फ्री होता है। जैसे कि अगर आप पूरा क्लच दबा लेते हो तो अभी देखो इंजन ऑन है और गाड़ी रुकी खड़ी है। अभी ब्रेक छोड़ो, क्लच मत छोड़ना, ब्रेक छोड़ दिया। गाड़ी चली नहीं चली, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी फर्स्ट गियर में है बट एक्टिव नहीं है। एक्टिव करने के लिए क्लच को हाफ रिलीज करना पड़ेगा। जब आप हाफ क्लच छोड़ोगी तो धीरे से गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी, और पूरा क्लच दबा लेने पे गाड़ी का जो इंजन और गियर का कनेक्शन है पूरी तरीके से गियर को दो तरीके से फ्री करना होता है। एक होता है प्रॉपर गियर को हटा दो, न्यूट्रल कर दो, मीन्स मतलब किसी भी गियर में नहीं। एक होता है कि आपने क्लच दबा के गाड़ी को रोका और गियर में गाड़ी, जैसे बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें आपने प्लग लगा दिया, स्विच नहीं ऑन करोगे तो क्या वर्क करेगा? आपका टीवी या लैपटॉप चलेगा? नहीं चलेगा। और एक होता है कि प्लग ऑलरेडी लगा, स्विच ऑन ऑफ कर दिया तो पावर आने लगा। एक होता है कि प्लग ही हटा दिया, वहाँ से प्लग हटा दिया बोर्ड से, अब उसके बाद आप स्विच ऑन ऑफ करो तो कोई पावर आएगा, क्योंकि आपने कनेक्शन पूरी तरीके से हटा दिया। तो यहाँ पे जो क्लच का रोल है ये है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आती है जो नोट्स आईएएस की तैयारी करी, वो नोट्स बना के लाती है रोज डेली, जितना मैं सिखाता हूँ उससे दो गुना वो लिख के लाती है, रोज कम से कम 2 पेज लिख के लाती है, और तीसरा दिन है उसको। 3 दिन के अंदर उसने इतनी ज़बरदस्त गाड़ी चलाई है कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था, स्कूटी भी चलानी नहीं आती है। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो CMS हो, बस चलना ही पड़ेगा। करनी है, जितना आप करो आपके लिए फायदेमंद है, करोगी तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं करोगी तो आपके लिए नुकसान है। अभी यहाँ से राइट लेना, इस गली से, जिस गली से गाड़ियाँ जा रही है, ये सामने सिग्नल, हाँ राइट का सिग्नल दो नीचे को, हाँ नहीं एक काम करो इधर ही ले लो सीधा, क्योंकि अभी उनको भी लेना है। चलो हम क्लास दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते हो,
हमारा तो काम ही है सिखाने का। पेशेंस नहीं मैम, देखिए मैं पैसे के लिए इस बिजनेस को नहीं करता हूँ। एक मैं बात बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ पैसे के लिए, लेकिन जब इंसान मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं सिखाना पसंद नहीं करता हूँ। एज ए टीचर मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं दोबारा चला रहा हूँ आपकी गाड़ी पे। सीख सकती हो, लेकिन आपको डेली वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी। अब उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर आप समय निकाल सकती हैं सीख सकती तो आप मोस्ट वेलकम, आ सकती मेरे पास। और अगर आपके पास समय नहीं है जो भी है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा फिर यहाँ लखनऊ में रह के तुम्हारे पास बहाने रहते हैं। मेरे अभी ये थोड़ा गड़बड़ किया, मेरे कहने का मतलब क्या था? अभी आई ना लाइन पे आप, अभी आई ना, सबको छोड़ दिया ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ वीडियो देखूँगी, कोई काम नहीं करूँगी, ऑफिस में बैठी अभी इंटरवल में वीडियो लंच आवर्स में। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सिखा के मानेंगे।